शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस शहर नगर पालिका में पाइपलाइन के कामों को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अपक्ष गुट के नगर सेवक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अब एक दूसरे पर नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से एक दूसरे पर चोरी, भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भारत देश में राजनीति का क्षेत्र किसी भी खेल की अनिश्चितता या रोमांच से कतई कम नहीं। इस खेल में कल तक एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ी कब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ मंजर इन दिनों दिग्रस नगर पालिका में नजर आ रहा है। स्थानीय मोतीनगर वार्ड के नगर सेवक सैयद अकरम ने हाल ही में नगर सेवक जावेद पहलवान पर मोतीनगर की पाइपलाइन के काम में रुकावटें पैदा करने का आरोप किया, जिसके बाद इन आरोपों का खंडन करने के उद्देश्य से सोमवार को जावेद पहलवान ने प्रेस वार्ता बुलाकर सैयद अकरम पर जल वितरण विभाग के अभियंता को हाथ में लेकर पाइप चोरी करने और राष्ट्रीय महामार्ग की बगैर अनुमति के पाइपलाइन के लिए महामार्ग की खुदाई करने का आरोप लगाया। मेरे ऊपर सैयद अकरम सैयद उमर नगर सेवक मोतीनगर इसने ऐसा लगाया, आरोप लगाया कि जावेद पहलवान इसने हेतु पुरुष पर इसको कर्मचारी नगर परिषद का पानी पुरोड़ा कर्मचारियों की इनको आदेश दिए कि बिल्कुल मोतीनगर की पाइपलाइन डालना नहीं। ये बिल्कुल गलत है, मीडिया में उसने गलत यानी अफवाह फैलाया और यहाँ के इसका खुलासा भी कर दिया मैंने। यहाँ के अभियंता ने भाई पानी पुरोड़ा के अभियंता ने इसका खुलासा करने वाला है कि मैंने कोई ऐसा बोला नहीं, उल्टा हमारी वजह से पाइपलाइन गिरा ली। नगर अध्यक्ष सदब झा ने जो है इसका ठहराव पास करी, एक मस्त ठहराव पास हुआ उसके बाद काम चालू हुआ, उसको जो है नेशनल हाईवे की परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं मिलने की वजह से काम वो प्रिंटिंग में रहने वाला है वहाँ पे। इसी बिन बुड़े का मेरे को आरोप लगाया वाला, इसकी आदत ही जो है सोशल मीडिया पे कुछ भी डालने का, कुछ भी लिखने का, इसके कैसा है उसके मेरे बदनामी करा उसके अंदर, तो मैं डरा इसका खुलासा करता है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने कोई कर्मचारी पे दबाव डाला नहीं और पानी पुरोड़ा की पाइपलाइन के बारे में कोई बोले वाला नहीं, उल्टा पानी की पाइपलाइन डालने का बोले वाला है और ठहराव एक मत से मैंने पास करने वाला है। उसके बाद सैयद अकरम ने भाई जो चुरा के लाया पाइप का से तुम्हारे पानी के पुरोड़ा पे से अभियंता को हाथ ने पकड़ के 21 पाइप लाए वाले वहाँ से, जिसमें के 15 पाइप चुरा के लाए, उसके ऊपर बिल्कुल कायदेशीर कार्रवाई उन्होंने, दंडात्मक कार्रवाई और उसका सदस्य पद नगर परिषद करा उन्होंने उसके वाला। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जल वितरण विभाग के अभियंता गौरव मांडले ने जावेद पहलवान द्वारा लगाए गए आरोप नकारते हुए चोरी किए पाइप के मामले में जांच करने की बात कहते हुए राष्ट्रीय महामार्ग के बगैर अनुमति के रास्ते खुदाई को अनुचित करार तो दिया, लेकिन पाइप चोरी सहित इस पूरे मामले में जल वितरण विभाग की लापरवाही पर पूछे गए सवालों पे वे घुमावदार जवाब देते नजर आए। ऐसे में सोमवार को जावेद पहलवान की प्रेस वार्ता के बाद मंगलवार को नगर सेवक सैयद अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जावेद पहलवान पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सैयद अकरम ने जावेद पहलवान पर पद के प्रभाव का गलत उपयोग करने, विभिन्न वर्क ऑर्डर में कमीशन के लिए ठेकेदारों पर दबाव बनाने तथा नगर विकास काम के लिए आरक्षित राशि का उपयोग खुद के ट्रस्ट विभाग में लगाने और नगरपालिका के संपत्ति का इस्तेमाल अंजुमन उर्दू हाई स्कूल चलाने के लिए करने और नगरपालिका को किराए की बकाया राशि 24 लाख रुपए नहीं चुकाने का आरोप लगाया। सारा जो आरोप है, सारे जो इल्जाम है टोटली गलत है। मैं सारे इल्ज़ामों को ठुकराता हूं और इस पत्रकार परिषद में पद जावेद पहलवान एंड कंपनी का रद्द हो ये इसी मांग करता हूं। उसकी वजह एक है कि जावेद पहलवान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने ट्रस्ट की दरगाह, अपने ट्रस्ट के मदरसे, इनका जो भी विकास है, डेवलपमेंट है, ये नगर परिषद के फंड में से किया है जो कि उनके अंडरटेकिंग में है, उस संस्था के वो अध्यक्ष है। नगर परिषद के मालमत्ता का उपयोग नगर सेवक नहीं कर सकता, उसका पद रिक्त होना चाहिए। वैसे ही जावेद पहलवान एंड कंपनी की अंजुमन उर्दू हाई स्कूल संस्था है जो नगर परिषद ने ही भाड़े पर दी है, नगर परिषद की बिल्डिंग है, उस नगर परिषद के बिल्डिंग पर 1990 से लेकर आज के तारीख तक यानी 16 जून 2020 तक करीब करीब 24 लाख रुपये थकित है। इस दौरान सैयद अकरम ने जावेद पहलवान को अपक्ष गुट नेता मानने से इनकार करते हुए आगामी स्थानीय चुनाव में जावेद पहलवान के खिलाफ उम्मीदवारी पर्चा भरने का ऐलान किया। कि जब कभी इलेक्शन होंगे, शायद अगले साल इलेक्शन है, और जावेद पहलवान शहर के किसी भी वार्ड से खड़ा हो, उस जावेद पहलवान के खिलाफ
मैं सैयद अकरम सैयद उमर अपक्ष बोलकर फॉर्म भरूंगा और इंशाअल्लाह उसका डिपॉजिट जब्त करते हुए डिग्रस की दहशत खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद अकरम ने नगर पालिका के कई जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, नगर परिषद प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों के बीच कई विकास काम, ठेकों के वर्क ऑर्डर में गड़बड़ी, धांधली और भ्रष्टाचार का खुलकर अंदेशा जताते हुए नगर पालिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर आगामी दिनों में स्थानीय राजनीति गर्माने का अंदेशा है। अब देखना यह होगा कि उपरोक्त विवादित मामले की राजनीति का ऊंट आगे चलकर किस करवट बैठता है। दिग्रस से NBC News के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।